अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अभी हम डिस्कस करेंगे TYC हेडलाइट, जो कि भाईजान टोयोटा ग्रैंडी की हेडलाइट। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ टोयोटा ग्रैंडी की हेडलाइट के बारे में, कि ग्रैंडी के अंदर जो लाइट लगती है वो सेम XLI 19-20 मॉडल की तरह की होती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक इसके अंदर एक लाइट का फ़र्क होता है और थोड़ी सी शेप का इसका फ़र्क होता है। तो आपको बेज़ाहर तो यहाँ से फील नहीं होगा कि ये ग्रैंडी वाली है या सिंपल XLI वाली लाइट है, लेकिन मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये जो लाइट हमने अभी ओपन की है, तो इस लाइट के अंदर ये मेरे सामने ये वाली लाइट छोटी सी नज़र आ रही है, यहाँ पे ये वाली लाइट छोटी सी नज़र आ रही है। ये ग्रैंडी की लाइट है भाई, ठीक है, ग्रैंडी की लाइट। इसके अंदर एक इंडिकेटर लगा होता है, ये ज़्यादा फ़र्क इससे महसूस होता है। नीचे एक LED की पट्टी लगी होती है, तो ये जो लाइट है ये ग्रैंडी की लाइट है भाई। इसका भाई जान TYC की लाइट जो है, ये समझ लें ओरिजिनल ताइवान की तरह बनी होती है। और भाई इसकी अभी जो मिनिमम प्राइस चल रही है 65 से 70 हज़ार रुपया इसकी प्राइस चल रही है। बहुत ही आउट क्लास लाइट बनी हुई है, बहुत ही आउट क्लास लाइट बनी हुई है। बहुत शानदार रिजल्ट है इसका भाई, बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, बहुत बेहतरीन लाइट है। फंक्शन बड़ी प्यारी है, ये चेक कर सकते हैं आप, फंक्शन बहुत आला बनी हुई है इसकी। तो जिस किसी बंदे ने भी लाइट ग्रैंडी की चाहिए हो, उसको मुझसे रابطہ करे, मैं उसको इसकी डिटेल बताऊंगा कि इसका रेट क्या चल रहा है, कौन सी क्वालिटी की लेनी चाहिए। और मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ भी कर सकता है, मेरे साथ अटैच रहें, मैं आपको इस लाइट्स के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। अब देखें, इसकी जो शाइनिंग है बहुत ही प्यारी है, बिल्कुल ओरिजिनल तरह की शाइनिंग दी हुई है इसकी। इसके जो हैं, जब लाइट की फिटिंग करवाई जाए, बूट्स वगैरह जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फिट करवाया जाए, तो इस लाइट को कुछ भी नहीं होगा भाई, बिल्कुल अपने कलर में रहेगी, कुछ भी फेड नहीं होगा, क्रोम बहुत प्यारा है। तो TYC की लाइट बहुत आला लाइट है भाई। शुक्रिया, जजाकल्ला।